अच्छा, हमें जिनसी बदसलूकी के बारे में अक्सर बताया जाता है कि अजनबी लोगों से मोहतात रहें, जैसे दुकानदार हो गए, फेरी वाले हो गए, इसके बारे में हमें प्लीज़ ज़रा थोड़ा बताइए। एक्चुअली ये एक बहुत आम गलतफहमी है कि जिनसी बदसलूकी करने वाले अजनबी होते हैं और वो ये काम सिर्फ सुनसान या अंधेरी जगहों पर करते हैं। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पे माँ बाप आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, जैसे कि पड़ोसी, घरेलू मुलाजमीन, आपके करीबी रिश्तेदार या फिर टीचर्स। जिनसी बदसलूकी स्कूल या ट्यूशन सेंटर, घर, किसी भी जगह हो सकती है जहाँ पर भी उनको तन्हाई के कुछ लम्हे मिल जाएं। जब से गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हुई हैं, दादाजी रोज़ मेरे कमरे में मुझसे खेलने के लिए आ जाते हैं। वो मुझे अक्सर आइसक्रीम भी खिलाते हैं अम्मी और अबू से छुप के। वो कहते हैं यह हमारा सीक्रेट है। मुझे दादाजी की छड़ी की आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उनकी दाढ़ी के बाल भी छुपते रहते हैं। कहाँ है मेरी गुड़िया? ओहो, मेरी गुड़िया यहाँ है। गुड़िया, देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। इनफैक्ट एक जायजे के मुताबिक तो ये भी साबित हुआ है कि जिनसी बदसलूकी करने वालों में 7% अजनबी होते हैं, 49% आपके अपने रिश्तेदार और 43% जो हैं वो करीबी जानने वाले होते हैं। अच्छा, हम अक्सर ये सुनते हैं कि जिनसी बदसलूकी करने वाले जहनी मरीज होते हैं, क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये बाकायदा मंसूबा बंदी करके और बहुत एहतियात से बच्चों की तरफ बढ़ते हैं। मसलन ये अक्सर ऐसे बच्चों का इंतखाब करते हैं जो इनके बातों के असर में आ जाएं, इनकी बातें मान लें, और ऐसा करने के लिए वो बच्चों को लालच देते हैं या फिर बेतहाशा प्यार का इजहार करते हैं या फिर उनको डराते धमकाते हैं। मैं आपके लिए क्या लाया हूँ गुड़िया? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, और यह दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? चलिए जाइए, जाकर सौदा लेकर आइए। मगर तज़ीन, अक्सर ये भी तो होता है कि बच्चों को नहीं पता चलता कि वो कौन सी हरकत को जिनसी बदसलूकी समझें। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ये बताया जाए कि जिनसी बदसलूकी की कई अशकाल हैं, जैसे कि बच्चों के जिनसी अज़ा को देखना या छूना या अपने मखसूस अज़ा उनको दिखाना, फ़हश तस्वीरें या वीडियोस दिखाना या फिर उनकी फ़हश तस्वीरें खींचना या वीडियो बनाना, और उरियानियत पर मबनी लतीफ़े या कहानियाँ सुनाना, ये सब जिनसी बदसलूकी में आता है। हम हिना की तरह बहुत सी बच्चियों की मदद कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए अभी विज़िट कीजिए www.ahang.org।